योगी सरकार जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ को दिव्य और भव्य रूप प्रदान कर रही है। इसके तहत ही महाकुंभ क्षेत्र में साधु संतों और अखाड़ों के भव्य शिविर आकार लेने लगे हैं। एक तरफ जहां इन शिविरों को व्यवस्थित स्वरूप देने में मेला प्रशासन लगा हुआ है, तो वहीं साधु संत अपने अपने शिविरों को वैदिक संस्कृति में ताने बाने में पिरोने में लगे हैं। धर्माचार्यों और अखाड़ों के महामंडलेश्वरों के शिविर में नियमित रूप से कथा, भागवत और प्रवचन की त्रिवेणी के साथ वेद मंत्रों की गंगा प्रवाहित करने की कवायद चल रही है। इसके अलावा वेद विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बटुकों की वेद पाठा के लिए अग्रिम व्यवस्था की जा रही है। महाकुंभ के अखाड़ों में सामान्य तौर पर साधक और साधना की विभिन्न क्रियाएं ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों को देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार यहाँ वेदों की ऋचाएं भी गूंजेंगी। जानकारी के मुताबिक वैदिक संस्कृति को विस्तार देने के लिए अखाड़ों में वेद पाठ करने वाले बटुकों को वेद पाठ के लिए आमंत्रित किया जाएगा। महामंडलेश्वरों के शिविर में कथावाचकों के प्रवचन और भजन कीर्तन चलते रहते हैं, जिसमें इस बार वेदों की वाणी को भी अहम जगह मिलेगी।